मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग सारी सारी मेंटल बीमारियाँ बगैर दवाई के ठीक करते हैं और 100% ठीक भी करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना डिजीज़ के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, जिसकी शुरुआत चाइना से हुई है ठीक एक महीने पहले। और एक महीने में 10,000 लोगों को ये वायरस का अटैक आया है और 200 लोगों की मौत हुई है। एक महीने में पूरे वर्ल्ड में ऐसा हंगामा हो गया है, इतनी इनसिक्योरिटी आ गई है, इतना फियर ऑफ डेथ आ गया है, इतना एंग्जाइटी आ गई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए मैं ये टॉपिक की बात करना चाहता हूँ। अब चलो देखते हैं ये वायरस के इफेक्ट्स क्या क्या है। ये वायरस के इफेक्ट्स है कि एक महीने में 10,000 लोग इससे अफेक्टेड है। ये वायरस चाइना के वुहान स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत बहुत वर्ल्ड के लोग उधर आते हैं और एक चाइना का इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है। ये बीमारी का रूट कॉज सांप और चमगादड़ खाने से शुरू होता है, ऐसा समझा जाता है। ये बीमारी वुहान स्टेट जो चाइना का है वहाँ से शुरू हुई है। अभी तक अनुमान है कि 30 दिन में 200 लोग मरे हैं। आज ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड ओवर में एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और सभी देशों के लोग अपने फ्लाइट भेज रहे हैं अपने कंट्री के लोगों को वापस बुलाने के लिए। इंडिया के भी वुहान स्टेट में करीबन 45,000 लोग थे अनुमान है और इंडिया भी फ्लाइट भेज रहा है उनको सबको बुलाने के लिए। वुहान स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है चाइना की इंडस्ट्री के लिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ के एयरपोर्ट से रोज 1 लाख लोग उधर उतरते हैं और 1 लाख लोग वहाँ के एयरपोर्ट से हर कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं। यानी 1 लाख की ट्रैफिक उनके एयरपोर्ट हैंडल करते हैं। इतना बड़ा स्टेट है बिजनेस के हिसाब से। चाइना ने भी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। जो भी वर्कर छुट्टियों में गए थे वापस वो कोई आ रहा नहीं है और बड़ा शांति का सा माहौल है, बड़ा डर का सा माहौल है पूरे चाइना में। अब ये बीमारी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ये बीमारी हवा के थ्रू ट्रांसमिट होती है, यानी जो सांस आप लेते हो वो सांस के थ्रू ये बीमारी आ सकती है। इसका पिछले 10 दिन में इतनी एंजाइटी पैदा हुई है कि पिछले 20 दिन में 50 करोड़ से ज़्यादा मास्क बिके हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में और डेली बेसिस में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मास्क खरीद रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। इतने लोग डरे हुए हैं ये बीमारी को लेके। इंडिया में करीबन 45,000 लोग वुहान में रहते थे और अभी तक की रिपोर्ट है कि एक आदमी को ये बीमारी आई है, ये इन्फेक्शन आया है एक आदमी को। ये बीमारी के सिम्टम्स है फीवर, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में परेशानी होना और ये बीमारी को जड़ पकड़ने में अंदाज 14 दिन लगते हैं और 14 दिन के बाद में ये बीमारी जड़ पकड़ती है। अभी ये वायरस कितना डेडली है इसका कोई अंदाज नहीं है, बट ऐसा बताया जाता है कि ये वायरस के कारण निमोनिया आ सकता है और मौत भी आ सकती है। आज के दिन हर हेडलाइन में खाली कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस हो रहा है। हर कंट्री के हाईएस्ट लेवल पे इसकी चर्चा हो रही है और इसके प्रिपरेशन के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, अभी तक इसकी कोई एंटीडोट डेवलप नहीं हुई है, इसलिए इसका पैनिक बहुत ज़्यादा है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी ये बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है और आज के दिन पूरे वर्ल्ड ओवर में बहुत एंग्जाइटी है, बहुत पैनिक है,
बहुत घबराहट है और मौत का खौफ सभी लोगों को पकड़े हुए है। ये बीमारी को मैं अब आपको कंपेयर करना चाहूँगा, इंडिया में एक बार स्वाइन फ्लू आया था। ये जो वायरस है, ऐसे वायरस इंडिया में पहले भी बहुत आए हैं। एक का नाम था स्वाइन फ्लू, दूसरे का नाम है चिकन गुनिया, और सबसे डेंजरस जिसमें बहुत अवेयरनेस फैलाएगी उसका नाम है डेंगू। डेंगू बीमारी हवा के थ्रू नहीं थी, ये डेंगू बीमारी मच्छर काटने के थ्रू थी। चिकन गुनिया बेसिकली चिकन खाने से आती थी, और जो स्वाइन फ्लू था वो एग्जैक्टली कोरोना वायरस के जैसी थी, जो हवा के थ्रू जाती थी। स्वाइन फ्लू बीमारी इंडिया की थी और इसमें 6 साल में करीबन 3 लाख लोग इन्फेक्टेड थे, यानी 3 लाख इन्फेक्टेड के होने के बावजूद खाली 10 हज़ार लोग मरे थे। और आपको जान के आश्चर्य होएगा कि इसका वैक्सीनेशन करीबन 40 करोड़ लोगों ने लिया था ये 6 सालों में। ऐसा होता है मौत का फियर। और एक और जानकारी दे दूं कि पहले डेटॉल, सैनिटाइजर, हैंड वॉश जितने बिकते थे वो 4 गुना सेल बढ़ गया उनका ये स्वाइन फ्लू के आने के कारण। बात करते हैं एड्स की भी, पूरी दुनिया में बहुत हवा उड़ी हुई है और 99% लोग इससे डरे हुए हैं। इसका डर है इससे नहीं मरे। और आपको फैक्ट बता दूं, अभी तक खाली 3.5 करोड़ लोग एड्स से मरे हैं। और इस पर अगर खर्चा अगर आप सुनोगे तो हर साल खर्चा गवर्नमेंट कितना करती है इसकी अवेयरनेस कराने के लिए, तो $25 बिलियन यानी 1,75,000 करोड़ खाली US अकेला खर्चा करता है इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और आज का लेटेस्ट US का रिसर्च बताता है कि एड्स जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, मगर ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सप्रेस करना चाहती है, क्योंकि ये निकल जाएगा तो बड़ा हंगामा हो जाएगा कि ऐसी होक्स बीमारी में इतने पैसे क्यों खर्चे करती है। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए ऐसी कोई बीमारी से आप मरने वाले नहीं हो और शांति से सो जाओ। और जितना आपका मरने का डर है पहले उसको डील करो, नहीं तो हर 5 साल में कोई ना कोई फ्लू आता रहेगा और आपकी रातों की नींद खराब होती रहेगी। ये बेसिकली फियर ऑफ डेथ है, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड ओवर में सभी लोगों की एंग्जाइटी बढ़ गई है कि काश मेरे को नहीं आ जावे, मेरे फैमिली को नहीं आ जावे, और क्या क्या प्रिकॉशन लेवे। और प्रिकॉशन में भी लोग जो बातें करते हैं उसमें मेरे को हंसी आती है कि हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन दो। जब ये हवा से बीमारी आती है तो हाथ धोने से कैसे बीमारी जाएगी? आपको जब कफ होता है, स्नीज होता है, तो आप उसको नैपकिन में रख के करो। शायद मेरे को लगता है उनको लगता है कि आप ये बीमारी फैलाओ मत, और इसके लिए सब प्रिकॉशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक अलग पहलू देना चाहूँगा कि क्या ये साइकोसोमेटिक बीमारी है, क्या ये साइकोसोमेटिक वायरस है। कि लोगों को सबसे बड़ा फियर है मरने का, लोगों को सबसे बड़ा डर है मरने का, और वो ढूंढते रहते हैं क्या वर्ल्ड में हो रहा है, क्या वर्ल्ड में हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड के लोग आज के दिन पैनिक हो गए हैं ये कोरोना वायरस से। मैं इसको, ये बीमारी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ थॉट के थ्रू इवेल्यूएट करना चाहूँगा। मैं कोई साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ और इसका बीमारी का साइंटिफिक बेस क्या मालूम नहीं है, मगर थोड़ी बात समझ आती है कि जो लोग सांप को खाते हैं, चमगादड़ को खाते हैं, उनके बॉडी में इतना जहर रहता है, ये थोड़ी बात लॉजिकल लगती है कि जो आदमी जहर खाएगा उसके बॉडी में जहर फैलेगा। मगर ये कफ के थ्रू, स्नीज के थ्रू, ये एयर वायरस के थ्रू लोगों जा रही है, ये बात मेरे को जरा भी समझ नहीं आ रही है। आज के दिन क्या हो रहा है कि पेपर में इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है कि जो भी आदमी वुहान कभी गया है या वहाँ पे है, उसके दिमाग में बैठ गया है कि ये मेरे को हो सकता है। और आपको एक और पहलू बता दूँ, कोई भी बीमारी
कोई भी वायरस उसी को आता है जिसकी बॉडी वीक होती है और जिसका माइंड वीक होता है। अगर आपको कोई भी बीमारी से बचना है तो अपने बॉडी को हेल्दी रखो, अपने आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, अपने माइंड को स्ट्रांग रखो और यहाँ से ध्यान हटाओ। जितना ज़्यादा आपका ध्यान वुहान पे, कोरोना वायरस पे जाता रहेगा, जितनी ज़्यादा आप इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपकी एंग्जाइटी बढ़े। ये बात को अपने दिमाग से निकालो और जो आपको लाइफ में करना है, पाना है, जो आपके सपने हैं उधर ध्यान लगाओ। आज के दिन चाइना के अलावा ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है कि 1% से भी ज़्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड में। अब मैं आपको मेरी पर्सनल लाइफ से एक पावर ऑफ थॉट का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कि सिज़ोफ्रेनिया था और उसके दिमाग में बैठ गया था कि मेरे शरीर में चुड़ैल है और चुड़ैल मेरे साथ सेक्स करती है, और ये उसके दिमाग में पिछले 2-3 साल से बैठा था। उसको सारी फीलिंग भी आती थी जो सेक्स करते हुए फीलिंग आती है। फिर मेरी एक और स्टाफ थी, उसने जब उसको ये सब बातें शेयर की और वो स्टाफ को विश्वास था कि चुड़ैल जैसी कोई चीज़ होती है, और 2-4 दिन के बाद में, और उसकी भी पर्सनालिटी वीक थी, वो माइंड से बड़ी वीक थी, थोड़े दिन में उसको भी लगने लग गया कि उसके अंदर भी कोई चुड़ैल है और वो चुड़ैल उसके साथ सेक्स कर रहा है। उसको भी सारे सेंसेशन आने लग गए जो सेक्स में लेडीज़ को सेंसेशन आते हैं, और ये है पावर ऑफ थॉट। अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि आप वुहान गए थे, आपको सर्दी है, आपको कोल्ड है, आप स्नीज करते हो, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये आपको इन्फेक्शन लग जाएगा। और अगर आप ज़्यादा बोलते रहते हो कि शायद मैं मर जाऊँगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, यानी थॉट में अगर मरना वर्ड अगर आता है तो ही चांसेस ज़्यादा है कि आप उससे मर सकते हो। और ये बीमारी से बचने का या ऐसे थॉट को निकालने का एक ही तरीका है कि आप इसका आपका फोकस यहाँ से हटाओ और कोई दूसरे काम में फोकस लगाओ। और हाँ, सर्दी जुकाम को डील करो और ये बीमारी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और आपकी मौत नहीं होगी। तो मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करता हूँ कि ये जो मौत हो रही है, जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, ये बेसिकली पावर ऑफ थॉट है, और पावर ऑफ थॉट आपको कुछ भी करा सकता है, आपको मौत के नज़दीक भी ले जा सकता है। एक आपको और फैक्ट बताऊं, 95% सांप जहरीले नहीं होते हैं, मगर जिसको भी सांप काटता है उसको ख्याल आता है कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे को सांप काट लिया। और मोर देन 50% लोगों को ये थॉट बार बार आता है और इसलिए मर भी जाते हैं, और जब बाद में सांप की जानकारी करते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो मालूम पड़ता है उसके अंदर जहर था ही नहीं, तो फिर वो इंसान किसके थ्रू मरा? खाली अपने सोचने की शक्ति से। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, रिसर्च किया गया है कि जो आदमी सांप के काटने से मरा था वो सांप में जहर था ही नहीं, मगर क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति में पूरा था कि मेरे को सांप ने काट लिया है, मैं मर जाऊंगा, और ऐसी पूरी रात पूरे दिन ऐसा करता गया, इसलिए तीसरे दिन मर गया। अभी मैं नहीं बोलता हूँ कि कोरोना वायरस का साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये है कि नहीं है, मगर मैं आपसे निवेदन करूँगा, इतनी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना यहाँ पे फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा करने से आप ये बीमारी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। अब मुझे मालूम है आगे के 1 महीने में क्या होना है, और अभी आज के दिन चाइना में क्या हो रहा है। सभी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, सभी लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, सभी लोग ट्रैवल करने से डर रहे हैं, सभी लोग पब्लिक प्लेसेस पे जाने से डर रहे हैं, और ये बात धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलेगी, और इसके कारण जो नुकसान होएगा ना, बहुत ही भयंकर नुकसान होएगा। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। सारी मेंटल बीमारियों को मैं बगैर दवाई के ठीक करता हूँ, और मैं इंडिया मुंबई में रहता हूँ।